अस्सलाम वालेकुम, हम हमारा कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तजावजात के ख़िलाफ़ दो दिन बाद ऑपरेशन हो गया इख्तिताम पज़ीर। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के साथ मौजूद कॉलोनी जो तकरीबन उजड़ ही चुकी है और यहाँ के रिहायशी जो सालों से रहने का दावा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके दिलों में इस वक्त क्या बीत रही है। पे कब्जा माफिया थे तो डॉक्टर आसिम के जो जनरेटर चल रहे हैं वो भी कब्जा माफिया के हिसाब से, उसकी जो जगह है आप नपाई करो, अगर अनलीगल नहीं हो तो इन गरीबों के दो फीटों घर और तोड़ देना, सारे तोड़ देंगे हम लोग। बिल्कुल, चाहे अमीर मगर गरीब हो, सबके साथ गरीब के साथ तो ना हक हो रहा है, मगर अमीर की एक ईंट नहीं लाई गई। आप नापो अभी, अगर इसी रिक्वायरमेंट पे रोड होगा तो हम और तोड़ देंगे, पूरी मदद, मगर ये सिर्फ गरीबों के साथ ना इंसाफी है। अमीर आदमी का बाल भी नहीं उखाड़ रहे, इदारे सोए हुए, ये इदारे नोट खा रहे, किसी गरीब के साथ कोई भी मामला ऐसे नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बातचीत नहीं, धक्के मारे जा रहे। सबसे पहले कराची का सिटीजन और फिर नॉर्थ नाजिमाबाद का रहने वाला मेरा एक ही सवाल बनता है कि ये लोग जो अभी ये तजावजात तोड़ रहे, तो क्या पहले यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, या पहले इनको जब कब्जा करने क्यों दिया इनको यहाँ पर, और अभी ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हर जगह पुलिस मोबाइल या रेंजर्स वगैरह खड़े हुए इन बेचारों के घर तोड़ रहे, तो कम से कम ये दिल बदरस्ता मनाजिर इनको कोई भी जर्नल आम अल्फाज में इनको अपने उससे लिहाज से नहीं बोल सकते कि किस तरह इन लोगों पे अब तकलीफ़ गुजर रहे हैं, इनका ये दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जब यहाँ पर घर बन रहे थे उस वक्त इंतज़ामिया कहा थे, उस वक्त यहाँ पर मना करना चाहिए था। जब घर बन गए, सारा कुछ बन गया, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खर्च की, यहाँ पर मेहनत किया, घर बनाए, बिल्डिंगें बनाए, अब ये लोग जाग गए और ये आके यहाँ पर घर तोड़ रहे, तो कम अज़ कम और अगर तोड़ भी रहे तो इनको एवज़ में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, कोई प्लाटिंग वगैरह या कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। ये मदरसा है हमारा, मदरसा जाल कुरान अमादिया के नाम से, और ये सामने मस्जिद है जामा मस्जिद फारूकिया। मुजाहद कॉलोनी और वाहद कॉलोनी दोनों कॉलोनियों को तोड़ दिया गया, तकरीबन जो है 60 से 65 साल से यहाँ की आबादी है, और अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्यों तोड़ने का मकसद क्या है। और एहलियान मोहल्ला का तो ख्याल ये कि डॉक्टर आसिम साहब हैं जो डॉक्टर ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, तो ये सारा उनका मनसूबा है, और एक महीने का जो इन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन उससे भी पहले इन्होंने आकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी है और बड़े ज़ालिमाना अंदाज में तोड़ फोड़ की है। आप कितने अरसे से बैठे थे यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको तो तकरीबन 45 से 50 साल हो चुके हैं, तो ये हमारा बचपना यहाँ गुजरा है, बचपन से हम यहाँ पर हैं। ये लीज़ थे या क्या था मामला? ये तो अब काफ़ी अरसे से लीज़ तो नहीं है बहरहाल, लेकिन ये कि बहुत पुरानी आबादी है, यानी अनऑथराइज है। जी जी जी, तो वल्लाहु आलम इसमें अब कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं हमें कुछ पता नहीं है, कोर्ट की तरफ से क्या रिपोर्ट है, कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं, इनक्रोचमेंट के क्या ऑर्डर हैं, वल्लाहु आलम इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं है। 60 से 65 साल पुराने लोग यहाँ, एक पुरानी आबादी है, और क्योंकि ऐसे ही तो एक रात के अंदर तो लोग यहाँ आकर नहीं बैठे, तो एक बहुत पुरानी आबादी है, 60 से 65 साल 70 साल हो चुके हैं अब इस आबादी को यहाँ बैठे हुए, और बाकायदा यहाँ पर बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, तो सारे मामला गवर्नमेंट के नोटिस में। तो अब ये तो नहीं कि एक ही रात में तो लोग आकर नहीं बैठे इसमें। आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा ताल्लुक रहीमियर खान से है वैसे बेसिकली, लेकिन हम जी मैं तो बचपन हमारा बचपन से यहीं पर गुजरा है, हमारे बड़े तकरीबन यहाँ जो है 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो क्योंकि ये अपने खुद के इंटरेस्ट ले रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से, दूसरी बात है कि हमारा DGKD उसने भी तय किया हुआ है, मोहम्मद अली शाह ने कभी के जो कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिए है, उस कोर्ट के आर्डर किए फौरन और फौरन इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और KDA की किसी एक इंच ज़मीन को, हलाटी की एक इंच ज़मीन को भी कब्ज़ा ना होने दिया जाए, कब्ज़ा छुड़ाया जाए, और कब्ज़ा ग्रुप पर सख्त नज़र रखा जाए। और वो तो ये कह रहे हैं सबसे पहले कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट सेल में आप जाएँ, FIR कटाएँ, और कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ अगर आपके मुझसे कहा गया है कि भी आपके पास अगर वक्त हो तो उनका आप नाम भी लिखें, सर्वे भी करें, नाम वालिद के नाम और टेलीफोन के साथ उनको अखबार में इश्तहार दें कि भी आप लोगों ने ये रोड पर कब्ज़ा किया है, MNED कब्ज़ा किया है, मोहम्मद अली शाह साहब की तो हमारे यहाँ तक के इंस्ट्रक्शन है हमें। यहाँ जैसे ही हमने रिहायशियों से बात की तो ये लोग मानते हैं कि ज़मीन लीज नहीं थी, मगर गवर्नमेंट ने इनके साथ ठीक नहीं किया, और क्या इस जगह पर इनका हक नहीं था। अब हम अपने देखने वालों से पूछेंगे कि क्या गवर्नमेंट के इस इकदाम को सराहना चाहिए या नहीं, और साथ ही यहाँ के रिहायशियों ने प्लॉट की भी डिमांड की है, तो क्या आप मुत्तफिक हैं, हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर।
और ये थी तजावजात के हवाले से दूसरे दिन की अपडेट मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी नॉर्थ नाजमाबाद से। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।